मोतिहारी के पकड़ीदयाल प्रखंड के अंतर्गत चैता पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के आवास पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन के तहत निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खून जांच और निशुल्क दवा का भी सैकड़ों गरीब मरीजों के बीच वितरण किया गया। प्रत्येक सप्ताह के सोमवार के दिन गरीबों का निशुल्क इलाज भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम चैता के पंचायत समिति मनोज कुमार शाह के सहयोग से हो रहा है। इस शिविर में पकड़ीदयाल के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर मदन प्रसाद, डॉक्टर श्री भगवान शाह और अन्य गणमान्य लोग भी गरीबों की सेवा करने के लिए उपस्थित हुए। मोतिहारी बिहार से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हम लोग आज दिनांक 21/10/2019 को शिविर जो लगाए हैं समाज सेवा के माध्यम से लगाए हैं। हम लोग यार अच्छी था कि हम लोग समाज सेवा करें और प्रति सोमवार को एक सेंटर चलेगा और मात्र दवा का पैसा ही लिया जाएगा और समाज सेवा के माध्यम से इसको दवाई। मेरा नाम डॉक्टर मदन प्रसाद शाह हुआ। मैं राजद का नेता हूँ, मधुबन विधानसभा क्षेत्र का। और जो हम माधुरी होम्योपैथी क्लिनिक जो है नया रिसर्च सेंटर का भी बहुत मैंने व्यवस्था हुआ है, खुला है, जिसका जो है ना आज शिविर लगा हुआ है, जिसमें बहुत लोगों का इलाज होगा और आगे भी चल कर। सचिव राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन, आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन के तत्वावधान में ये माधुरी होम्योपैथी क्लिनिक के सौजन्य से चैता चुरमा में एक निशुल्क शिविर कैंप का आयोजन किया गया है, जहां पे आज शहर के तमाम प्रसिद्ध डॉक्टर, डॉक्टर संजीव रंजन जी, संस्था के सचिव महफूज डॉक्टर मुन्ना सिंह, डॉक्टर विकास कुमार मौर्या, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर कुमारी रंजीता, मीन्स एक कंप्लीट टीम के साथ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। साथ में मुफ्त दवा का वितरण किया जाएगा और आधुनिक मशीन द्वारा मरीजों को जांच करके उसकी बीमारी की पता कर पूरा व्यवस्था किया जाएगा। और इस सारे संस्था का श्रेय जाता है इस पंचायत समिति सदस्य श्री मनोज शाह जी को, जो कि अच्छे एक समाज सेवी हैं और पूर्व में भी बहुत सारे